मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल स्थित अररिया संग्राम में मिथिला हाट बनकर पूरी तरह से तैयार है, उद्घाटन होना बाकी है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले नए साल में क्षेत्रवासियों को मिथिला हाट का तोहफा मिलने वाला है। एक सप्ताह के अंदर पहले डीडीसी और फिर जल संसाधन विभाग के सचिव के दौरे से स्पष्ट हो रहा है कि प्रशासनिक महकमा उद्घाटन को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, वहीं इसको लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मिथिला हाट का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना है, ऐसे में उद्घाटन को लेकर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से सतर्क है। वहीं विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आज देर शाम जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार ने मिथिला हाट का बारीकियों से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संवेदक गोविंद झा से हर पहलुओं की बारीकी से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने ऑडिटोरियम हॉल, वाटरफॉल, तालाब, पाथवे, पार्किंग के अलावा चारों तरफ घूमकर निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदक गोविंद झा को मिथिला हाट के सौंदर्यकरण को लेकर खाली पड़े जमीन पर घास लगाने, पेड़ लगाने और बेहतर तरीके से देखरेख करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्र में इस तरह का डेवलपमेंट होना बहुत बड़ी बात है, इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र के लोगों को कितना बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पर्यटन का यह हाट बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, यह समाज का धरोहर है, इसे संभाल कर रखना यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, साथ ही बेहतर ढंग से इसका संचालन हो यह भी बड़ी बात होगी। उन्होंने डीडीसी विशाल राज को निर्देशित किया कि मिथिला हाट के सौंदर्यकरण और मेंटेनेंस काम के लिए फंड जारी करें। बता दें कि मिथिला हाट उद्घाटन को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। संभावना है कि जनवरी महीना में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन किया जाना है। मिथिला हाट निरीक्षण के बाद वे सुगरबे नदी पर बने सुलिस गेट का भी निरीक्षण किया, उसके बाद फिर वहां से सुपौल के लिए निकल गए। इस दौरान उनके साथ झंझारपुर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, अंचलाधिकारी सुमित कुमार, अररिया ओपी प्रभारी बलवंत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि चंदन कुमार झा के अलावे कई लोग मौजूद रहे। सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।